नमस्कार दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज ZSM-5? ZSM-5 क्या है? इससे पहले कि उसके जवाब की तरफ बढ़ें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं ZSM-5 का मतलब है जियोलाइट सेव्स ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी 5। अब आइए बारी बारी से समझते हैं स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या है अपने आप में एक टॉपिक है, और साथ ही साथ जियोलाइट कैटलिस्ट ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। फिलहाल हमें समझना है कि ZSM-5 क्या है। तो ZSM-5 एक प्रकार का जियोलाइट उत्प्रेरक है, जियोलाइट कैटलिस्ट है। इसका यूज जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में किया जाता है, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में और उसके आइसोमेराइजेशन में किया जाता है। ZSM-5 क्या करता है? तो ZSM-5 आपके पास अगर अल्कोहल है और उस अल्कोहल से अगर आप गैसोलीन बनाना चाहते हैं, पेट्रोल बनाना चाहते हैं, तो वहां जिस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वो कैटलिस्ट है ZSM-5। तो याद रखेंगे दोस्त कि अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में कन्वर्ट कर देने के लिए जिस कैटलिस्ट, जिस जियोलाइट कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, उस कैटलिस्ट का नाम है ZSM-5। एक्चुअली क्या करता है, तो आइए जरा एक लाइन ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये अल्कोहल को सबसे पहले उसका डिहाइड्रेशन कर देता है, उसमें से जो पानी है, जल है, वो निकाल देता है। फिर उसके बाद बनता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है, और ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है गैसोलीन मतलब पेट्रोल में। तो सीधी सी बात है कि ZSM-5 अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसोलीन में। धन्यवाद।